अगली खबर में बात करते हैं उज्जैन की, जहां श्री महाकालेश्वर की नगरी में 27 से 29 दिसंबर तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे आरएसएस सुप्रीमो मोहन भागवत ने श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन किए। श्री महाकालेश्वर मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने से पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने महाकाल मंदिर पहुंचकर गर्भगृह में भागवत महाकाल का पंचामृत पूजन अभिषेक किया। दर्शन पूजन के पश्चात भागवत ने श्री महाकालेश्वर मंदिर के आंगन में स्थापित वेद ऋचाओं से युक्त देश का पहला जल स्तंभ का अनावरण किया। देश विदेश में इस जल स्तंभ से जल बचाने का संदेश जाएगा। महाकाल मंदिर के आंगन में स्थापित 13 फीट ऊंचे इस स्तंभ पर चारों वेदों की ऋचाओं को चांदी की कारीगरी से उकेरा गया है। जल स्तंभ के अनावरण के पहले मोहन भागवत ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में मोहन भागवत का श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा अभिनंदन पत्र भेंट कर सारस्वत सम्मान किया। मंदिर में 5 दिसंबर में सुजलाम जल महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत चतुर्वेद परायण में भी किया जा रहा है। जल स्तंभ का निर्माण 60 किलो चांदी से हुआ है। कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख डॉक्टर भागवत को महर्षि दधीचि से तुलना और उनके लिए लिखा गया अभिनंदन पत्र के वाचन के बाद भागवत ने कहा कि ये जो अभिनंदन पत्र और महर्षि दधीचि जैसे से तुलना अब जुड़ गई है, मैं ये जानता हूँ मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता और आप भी कुछ नहीं कर सकते। वास्तव में दधीचि जैसी तपस्या करने वाले बहुत लोग पीछे हैं, कुछ आज हैं कुछ कल होने वाले हैं, जिनमें मेरा नंबर नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ रखा है। ये सब उन्हीं का पुण्य प्रताप है जो कि संघ के बारे में हमें अच्छे अच्छे शब्द सुनने को मिल रहे हैं, नहीं तो हमें संघ के बारे में अच्छा सुनने की आदत नहीं रही। इंदौर रोड स्थित मालगुड़ी देश में आयोजित सेमिनार में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत विशिष्ट अतिथि के तौर पर भागीदारी करेंगे। अध्यक्षता न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित अभिकरण करेंगे। कार्यक्रम में स्वामी अदृश्य काग सिद्धेश्वर जी महाराज मठाधिपति कनेरी मठ कोल्हापुर का सान्निध्य भी मिलेगा। साथ ही निवृत्तमान सरकार वाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सुरेश भैया जी जोशी भी मार्गदर्शन देंगे।